हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जोमनी 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में, और साथ ही मैं बात करने वाला हूँ कि अब तक आपका टोटल कंपटीशन कितना हो चुका है, कितने बच्चों पर आपकी पर सीट कंपटीशन बन रहा, आपका क्या कुछ हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि साथियों आपको पता होना चाहिए, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के आपके साथ रजिस्ट्रेशन हो रही, पर एक कैंडिडेट आपका आरपीएफ एसआई का भी भर सकता है और आरपीएफ कांस्टेबल का भी भर सकता है। दोनों फॉर्म आप भर सकते हो। यदि आप दोनों के लिए एलिजिबल हो तो मैं तो बोलूँगा आप दोनों फॉर्म ज़रूर भरिए, क्योंकि ऐसे मौके ना तो बार बार आते हैं और ऐसे मौक़ों पे चौका भी बार बार नहीं लगता। क्या पता किस्मत ने आप साथ दिया और आप एसआई बन गए उस सीधे। मैंने देखा है दोस्तों, यहाँ पर जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं ट्रेड्समैन में सिलेक्शन नहीं होते वो सीधा सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और जो कैंडिडेट, एक बात बता दूँ, ऐसे उससे पहले बात कर लेते हैं आरपीएफ और आरपीएस सब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के लिए आपके यहाँ पर निकल बेस्ट बुक निकल अगर आ चुकी है, वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं बात करता हूँ आगे। इस बुक में आपको 2000 भविकल्पिक पर्सन और 5 आपको सॉलिड पेपर मिलने वाले, जो आपको मिलने वाले जो आरपीएफ का जो पिछला पेपर हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। इस बुक से आप तैयारी करके अपनी तैयारी को और 4 चांद लगा सकते हो। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज सिलेबस को पूरा कवर किया गया। इस बुक का परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप परचेज कर सकते हो। इस बुक में मैं आप थोड़ा से बता दूं आपको, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ जो एसआई है इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 6000 आपको टीसीएस के जो एमसीक्यू है वो बुक मिलती है और चैप्टर वाइज आपको मिलती है। इसमें आपको सारा का सारा सामान्य अध्ययन, रेलवे मैथ्स और रेलवे रीजनिंग के अलग अलग बुक भी आप परचेज कर सकते हो। जीडी को फाइट नहीं कर पाते वो यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं। अब बहुत सारे बोलेंगे ये तो कैसे हो सकता, नामुमकिन है। देखो, नामुमकिन कुछ नहीं है। यदि ये शब्द आपके साथ में है ना, तो मैं बता दूं कोई मायका लाल आपके पास है ना, वो कोई किस्मत कोई भी आपका छीन नहीं सकता, यदि किस्मत शब्द आपके पास है तो। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 4660 पदों पर आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म चालू है, जिसकी 14 तारीख आपकी लास्ट डेट रखी गई है। आज आपकी 2 तारीख हो चुकी है, 2 तारीख तक अकॉर्डिंग मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। देखो, तो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो अभी तक 4,50,000 के लगभग आपके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के आपके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, जो 4,50,000 के लगभग हो चुके हैं तो 4660 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन होंगे। तो एक से एक या एवरेजन देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, या आपके सामने जो कि मैंने यहाँ पर लग रखा है, या आप देख सकते हो आपका, यानी 4,50,000 में भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4660 का, तो जो कंपटीशन निकल कर आएगा ना, पर सीट कंपटीशन निकल कर आएगा वो 96 कैंडिडेट्स का निकल कर आएगा। अब बहुत सारे बोलेंगे 96 कैंडिडेट्स, नहीं दोस्त, मैं बोलूँगा ये 96 कैंडिडेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपके जो आपकी 4660 वैकेंसी टोटल हैं, इन 4,50,000 में से तो होगा सिलेक्शन। पर ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि 4,50,000 की बजाय हमें पहले कितने में आना है, तो हमें पहले आना है 46,600 कैंडिडेट में, क्योंकि 10 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। और जैसी बात है, 10 गुना कैंडिडेट्स को पास करने के लिए 46,600 कैंडिडेट में आना है, तो 46,000 जैसे मैं 600 का भाग देता हूँ आपका, यहाँ पर देखो 46,600 का मैं भाग देता हूँ, तो ये 9 सीट पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है, वो 9 सीट का निकल कर आता है। अब मैं बताऊँ आपको, 9 सीट का मैं बता रहा हूँ अभी आपका, मैं एवरेजन मानूँ तो आपका एक भी सीट पर कंपटीशन नहीं है बच्चे का। कैसे नहीं है मैं बताऊँ आपको, 10 गुना कैंडिडेट्स ये पास करेंगे फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स पास करेंगे। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि इसको थोड़ा बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना दोस्तों, मैं बता दूँ आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पर पास करेंगे कितने, 10 गुना कैंडिडेट्स को। कितने को? 10 गुना कैंडिडेट्स को पास करेंगे। और जब ये 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास करेंगी, तो जैसी बात है यहाँ पर जो आपको मैंने बताया कि 9 कैंडिडेट्स आपके पर सीट पर अभी तक हैं, तो 9 सीट पर आपको 10 में से कितने बच्चे फिजिकल होंगे वो आपने आंकड़ा नहीं देखा। अभी दिल्ली पुलिस वाली भर्ती हुई, आपको पता है क्या? एवरेजन में बता दूँ आपको, जितनी पोस्ट थी उतने कैंडिडेट फिजिकली पास नहीं कर पाए, पेपर पास कर लेते पर फिजिकल पास नहीं होता। मैं बताऊँ आपको सीधे सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, यदि आपने यहाँ पर पेपर पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% है, यदि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे तो। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, 5:45 में दौड़ ऐसे नहीं आती, ये कोई
बच्चों का खेल नहीं है कि 5:45 में दौड़ आ जाएगी। 5:45 में दौड़ लाने के लिए कम से कम 6 महीने की मेहनत चाहिए। एक कैंडिडेट पढ़ने वाले कैंडिडेट को 6 महीने की मेहनत चाहिए, तब जाकर आपका 5:45 दौड़ आएगी। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी का आपका कंपटीशन बहुत कम है। आप RPF कॉन्स्टेबल का यदि आप फिजिकल कर सकते हो तो कॉन्स्टेबल का ज़रूर आप फॉर्म भरिए, कॉन्स्टेबल का ज़रूर आप फॉर्म भरिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते और ऐसे मौक़ों पर चौका भी आपको लगाना है, ठीक है। बाकी देखो, मैं आपका लास्ट डेट को जैसे टोटल फॉर्म फिलअप के होती है तो मैं RTI एक लगा दूंगा, RTI के माध्यम से भी आपको बता दूंगा, हर एक चीज़ की अपडेट दे रहा हूँ, हर एक जानकारी आपको दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में निदान के साथ। तब तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।